दोस्तों स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो MP बोर्ड में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होने वाली थी, कब से कब तक की। 10वीं की बात करें हम तो ये होने वाली थी 30 अप्रैल से 15 मई तक की, और बात करें 12वीं की तो 12वीं की 1 मई से 17 मई तक की आयोजित होने वाली थी, तो ये अभी के लिए स्थगित कर दी गई है। तो ये परीक्षाएं कब आयोजित की जाएगी इसके बारे में आपको बताऊंगा। और देखिए जो प्रैक्टिकल होने वाले थे ना आपके लिए, तो उनको भी पोस्टपोन कर दिए गए हैं, उनकी भी डेट आगे बढ़ा दी गई है, तो उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल, एमपी बोर्ड क्लास 10th एंड 12th एग्जाम पोस्टपोन। तो देखिए द स्टेट गवर्नमेंट हैज एक्सटेंड एग्जाम डेट्स ऑफ द एमपी बोर्ड क्लास 10th एंड 12th एग्जाम विच आर शेड्यूल्ड टू बी ऑर्गेनाइज फ्रॉम अप्रैल 30। तो देखिए जो 30 अप्रैल से एग्जाम होने वाले थे 10th और 12th के, वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं राज्य सरकार द्वारा। और देखिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो कुछ ही दिनों में नई तारीखों की घोषणा करेगा। और जो मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री है इंदर सिंह परमार, तो इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि ये एग्जाम 30 मई के बाद कंडक्ट कराए जाएंगे। और यहाँ पर रीज़न क्या दिया गया है, कोविड-19 पैंडेमिक। तो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ये परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है, जो अभी इतनी स्पीड से केसेस आ रहे हैं उसकी वजह से। और आपने देखा होगा कि पहली से आठवीं तक की जो स्कूल है वो भी क्लोज कर दी गई है 15 जून तक। और यहाँ पर इंदर सिंह परमार जी ने एक और चीज़ कही है, जो आपके प्रैक्टिकल होने वाले थे ना 10th और 12th के, तो वो अब 15 मई के बाद भी करवाए जा सकते हैं, ठीक है। इसकी भी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। और देखिए अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आती है मैं आपको इंस्टा पर या तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, उस पर मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।